नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अजमेर से बड़ी खबर है, एनएसयूआई का गवर्नमेंट कॉलेज पर जोरदार प्रदर्शन दिखाई दिया। कॉलेज के बाहर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया, सड़क जाम कर एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने कुछ युवाओं को हिरासत में भी ले लिया है। नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है, नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग। तो ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से सड़कों पर लेटकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग सिर्फ इतनी है कि नीट परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि नीट परीक्षा में धांधली करने के आरोप लग रहे हैं। परीक्षा रद्द नहीं करने तक आंदोलन जारी रखने की भी बात कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। तो आसपास वाहनों की लंबी कतारें भी लगी है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर लेटकर प्रदर्शन कर रहे हैं और नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। दोबारा से ठीक तरीके से परीक्षा के आयोजन की मांग इनकी ओर से की जा रही है। हालांकि बड़ी खबर यह है कि कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। प्रदर्शन किया गया है क्या है? आज जिस तरीके से नीट की परीक्षा में धांधली सामने आई है, एनटीए द्वारा जिस तरीके से एक ही सेंटर के कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन अच्छे मार्क्स लाकर इस नीट की परीक्षा में हुआ है, वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है और इस परीक्षा पे कई सवाल या निशान उठाता है। तो एनएसयूआई इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रही है। राष्ट्रीय स्तर से एनएसयूआई प्रत्येक जिले में आज प्रदर्शन कर इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रही है और ये मांग तब तक जारी रहेगी तब तक इस परीक्षा को ये एनटीए रद्द नहीं करता। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिस तरीके से एनटीए ने किया है, ये छात्र शक्ति बर्दाश्त नहीं करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशोक सिंह भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि जब तक परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा आंदोलन जारी रहेगा। अभी क्या हालात है वहां पर और कोई समझाइश के लिए पहुंचा है क्या? जी बिल्कुल, अजमेर में लगातार नीट परीक्षा में जो धांधली का आरोप लगाया जा रहा है उसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी कोचिंग संस्थानों की ओर से नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था और अब इसमें जो है एनएसयूआई संगठन कूद चुका है। अलग अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के बाहर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, तो मामले की सूचना पर क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश की गई, रोड जाम यहां पर करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद कुछ विद्यार्थियों को जो एनएसयूआई के पदाधिकारी है उनको हिरासत में लिया गया और उनसे समझाइश की गई कि आपकी मांगों को आगे पहुंचा दिया जाएगा, ये जो है, लेकिन आप जो शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करें। इसके बाद उन्हें समझाइश के बाद फिलहाल छोड़ दिया गया है, हिरासत में लिया गया था, कुछ देर थाने ले जाया गया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन एनएसयूआई के विद्यार्थियों का, पदाधिकारियों का ये कहना है कि जब तक इस मामले में उनकी सुनवाई नहीं होगी और इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा, जो बच्चों के साथ कुठाराघात हुआ है, धांधली हुई है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है, इस धांधली को लेकर जो है वापस परीक्षा कराने की यहाँ पर मांग की जा रही है। जब तक ये परीक्षा वापस नहीं होगी इसी प्रकार जो है आंदोलन जारी रहेगा। जी बिल्कुल अशोक, अब देखना है कि क्या कार्रवाई की जाती है पूरे मामले पर, क्या वाकई परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे जोधपुर से मिल रही बड़ी खबर का। मेड़ता में दो गुटों में पत्थरबाजी की सूचना है, घायलों को जोधपुर के एमडीएम अस्पताल लाया गया है। 8 घायलों का जोधपुर अस्पताल में इलाज जारी है, एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो दो गुटों में पत्थरबाजी, मेड़ता से ये खबर है, जहां पर पत्थरबाजी के बाद कई लोग घायल हो गए हैं। 8 घायलों का जोधपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि एक महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 3 लोग महिला सहित गंभीर स्थिति में घायल हैं। ये तस्वीर देखिए, पत्थरबाजी के बाद किस तरीके से क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा, बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा रही। हालांकि मौके पर पुलिस भी पहुंची, समझाइश की गई, लेकिन इससे पहले कई लोग पत्थरबाजी में चोटिल हो गए। तो फिलहाल इसे लेकर कोई अपडेट नहीं है कि आखिर किस बात को लेकर ये मारपीट हुई, लेकिन मारपीट के दौरान की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में अलग अलग दो गुटों में लोग बटे हुए एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए और मारपीट करते हुए नजर आए। और थोड़ी देर में अगर सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये अपडेट भी आपको बताएंगे कि आखिर किस बात को लेकर ये गहमा गहमी और मारपीट हुई है। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए हैं, इनमें से 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिनमें एक महिला भी शामिल है, और क्षेत्र में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल है और आगे ये बात ना बढ़े इसे लेकर भी पुलिस वहां पर मुस्तैद।
और जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर हेरिटेज नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अतिक्रमण और खुले में मांस बेचने पर कार्रवाई लगातार जारी है। रामगंज बाजार एमडी रोड पर अभियान चल रहा है। 50 किलो अवैध मांस और मछली जब्त की गई है। 12,500 रुपए का चालान भी काटा गया। एमडी रोड पर सीज किए गए हैं अवैध बूचड़खाने। कार्रवाई के दौरान की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर टंकी की आड़ में अवैध बूचड़खाना चलाया जा रहा था, जिस पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए न सिर्फ बूचड़खाने को सीज किया गया है बल्कि पेनल्टी भी लगाई गई है। तो कार्रवाई के बाद से हड़कंप भी मचा हुआ है। अवैध बूचड़खाने में बड़ा एक्शन लिया गया है प्रशासन की ओर से, हेरिटेज नगर निगम की ओर से ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही, हालांकि आंशिक विरोध का भी सामना करना पड़ा वहां पर जो टीम पहुंची थी उसे, लेकिन टीम ने फिलहाल अवैध बूचड़खाने को बंद कर दिया है और आगे भी कार्रवाई जारी। और जयपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, स्वास्थ्य महकमे में ट्रांसफर पॉलिसी आ रही है। जी हां, ये बड़ी खबर है, ट्रांसफर पॉलिसी स्वास्थ्य महकमे में लागू की जाएगी। पॉलिसी के ड्राफ्ट पर सुझाव भी मांगे गए हैं, सभी कर्मचारी संगठनों से इसे लेकर सुझाव मांगे गए हैं। 10 जून को शाम 4 बजे स्वास्थ्य भवन में एक बैठक होगी और सुझावों पर चर्चा होगी। सबसे पहले लोगों से फीडबैक लिया गया है कि अगर हम ट्रांसफर पॉलिसी लाते हैं तो इससे कौन खुश है, कौन नाराज है, क्या क्या कमियां हैं इस पॉलिसी में, इसी को लेकर विचार किया जाएगा और इसके बाद इसे लागू किया जा सकता है। 10 जून को शाम 4 बजे स्वास्थ्य भवन में इसे लेकर बैठक होगी। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात सीडब्ल्यूसी मीटिंग की कर लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में दिल्ली की अशोक होटल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है। बैठक में सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। बैठक में इलेक्शन रिजल्ट की समीक्षा की जा रही है, तो बेहतरीन प्रदर्शन रहा इंडिया गठबंधन की ओर से और इसे लेकर सभी बेहद उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक लगातार जारी है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ही तमाम विपक्ष के बड़े नेता भी मौजूद हैं और लगातार चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर नेता विपक्ष का कौन होगा। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं, अटकलें ये हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर चुने जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसे लेकर औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रदेश के भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इस बैठक में शामिल हैं और प्रदर्शन को लेकर चर्चाएं की जा रही है, कहां कमियां रह गई उसे लेकर भी खास मंथन किया जा रहा है ताकि अगली बार जब चुनाव हो तो उन कमियों को भी दूर किया जा सके। नतीजों पर समीक्षा हो रही है, रणनीति पर समीक्षा हो रही है और तारीफ भी हो रही है उन कार्यकर्ताओं की, उन नेताओं की जिनके बलबूते पर बेहतरीन प्रदर्शन कर पाया है इंडिया गठबंधन। तो प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो दिल्ली में हलचल तेज है और कल नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और आज सीडब्ल्यूसी की यह बड़ी बैठक हो रही है, क्योंकि विपक्ष भी अब काफी मजबूत है, अच्छी खासी सीटें लेकर विपक्ष एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरा है और ऐसे में जनता के मुद्दे ज्यादा ठीक तरीके से उठ सके इसे लेकर भी खास चर्चा की जा रही है और नतीजों को लेकर भी खास समीक्षा लगातार जारी है। तो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर न सिर्फ देश बल्कि प्रदेश के भी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और फीडबैक भी दे रहे हैं, क्योंकि इस बार राजस्थान में भी कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पिछले 2 सालों का सूखा राजस्थान में खत्म हो गया है, तो इसे लेकर राजस्थान में भी तारीफ हो रही है। तो इधर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज कांग्रेस संसदीय दल के चेयरपर्सन का चुनाव होगा। इसके लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शाम 5:30 बजे बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा गया है। बैठक में चेयरपर्सन को चुनने के लिए पार्टी सांसद फैसला लेंगे और इसके साथ ही इस बैठक में राहुल गांधी को लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनाने की भी मांग की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता का पक्ष मतलब पद मतलब नेता विपक्ष होगा, यानी नए सांसद राहुल गांधी को नेता विपक्ष लोकसभा बनाए जाने की भी मांग कर सकते हैं।
तो सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह परंपरागत हर चुनाव के बाद होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक है, इसमें हम हार जीत की समीक्षा करेंगे और आगे पूरे देश में कैसे बढ़ना उस पर भी रणनीति तय की जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर कांग्रेसी कार्यकर्ता की मांग है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, आज सीडब्ल्यूसी की बैठक है, चुनाव की समीक्षा की जाएगी, कैसे देखते हैं आप और क्या इम्पोर्टेंस है इस बैठक? ये परंपरागत रूप से होता रहा है कि जब नए चुनाव होते हैं तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठ के आकलन करती है। उसी लिए हम आए, हमने बेहतर परफॉर्मेंस किया है कुछ जगहों पर, उसका भी आकलन होगा। जहाँ हम अपेक्षा अनुरूप नहीं कर पाए वो भी होगा। आगामी भविष्य की रणनीति क्या होगी इस पर भी होगा। सर, आज शाम में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी है, आप भी सदस्य हैं, लगातार एक मांग उठ रही है आप लोगों की, एक कार्यकर्ताओं की, राहुल गांधी। मेरी खुलकर मांग है कि हर हालत में राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाना चाहिए लोकसभा के अंदर, क्योंकि जिस तरह खुलकर वो हमला कर रहे हैं, जिस तरह वो सीधा अटैक कर रहे हैं, वो जरूरत इसी बात की है कि उन पर सीधा हमला हो विपक्ष की तरफ से, फिर एक मौका मिलेगा उनको, जब भी चाहेंगे बोलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सहयोगी हरीश के साथ शुभम प्रताप, मेरे को टीम दिल्ली। तो मोदी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र सामने आया है। जिन लोगों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया गया है उन्हें ये निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। ये निमंत्रण पत्र देखिए, लगातार जीत की हैट्रिक लगाने के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और ये निमंत्रण न्यूज 18 पर आप देख पा रहे हैं। निमंत्रण पत्र की पहली झलक न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिवली इस वक्त आपके सामने है कि कैसे लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, एक हिंदी में निमंत्रण पत्र छापा गया और एक इंग्लिश में भी है। कुछ लोगों को हिंदी में न्योता दिया जा रहा है, कुछ लोगों को इंग्लिश में इनवाइट किया जा रहा है, क्योंकि विदेश से भी खास मेहमानों का डेलीगेट्स भारत आ रहा है प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए और इसे भव्य बनाने की तैयारियां लगातार जारी है। तो नरेंद्र मोदी 9 जून यानी कि कल तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में कल शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण होगा और इसकी जानकारी खुद राष्ट्रपति भवन ने दी है। वहीं शपथ को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां तेज हो गई हैं। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोपके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 9 जून को शाम को इसी वक्त 6-7 के बीच में अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ शपथ लेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। हम खड़े हैं राष्ट्रपति भवन के सामने और ये सामने में जो प्रांगण दिख रहा है आपको, हम अपने कैमरा पर्सन कमलदेव सिंकेडी से कहेंगे कि वो जूम इन करके दिखाए। इसी प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार अपना शपथ ग्रहण करेंगे अपने सहयोगियों के साथ, अलग अलग दलों के मंत्रियों के साथ, और यहां 7,000-8,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि कम से कम 10,000 तक ये संख्या जा सकते हैं। फोरकोट का इलाका बहुत बड़ा है। तमाम तैयारियां जोरों से की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया पे आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि कुर्सियां लगाई जा रही हैं गर्मी से बचने के लिए। हालांकि शाम का वक्त होगा, 6-7 के बीच शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। गर्मी का दिन है लेकिन तमाम कूलर, फैन, स्टैंड फैन लगाए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन केडी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो मौसमी बीमारियों के चलते लगातार नौनिहाल
में बच्चे बीमार हो रहे हैं। ऐसे में अलवर के सबसे बड़े शिशु अस्पताल राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सालय में नौनिहाल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो अब भर्ती हो रहे हैं। आलम यह है कि 40 बेड के वार्ड में 70 से 80 बच्चों का इलाज चल रहा है। एक बेड पर 2 से 3 बच्चों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि भीषण गर्मी में लगातार बीमार बच्चों का आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले माह की ओपीडी में 14,599 बच्चों का इलाज किया गया था, तो वहीं आईपीडी में 1,682 बच्चों का इलाज किया गया। अस्पताल में रोजाना 40 से 50 बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। उसे पेर या है कि लीवर में इन्फेक्शन है और कई बीमारी है, उनकी दस्त भी है उसके। तो एक बेड पे 2-2 मरीज लेटे हुए हैं और कंप्यूटर वम्प्यूटर देख भी रहे, पर लेडीज कोई करता, हमको तो बाहर ही रहते हैं। तो कोटपुतली शहर में नगर परिषद की ओर से मॉनसून से पहले नालों की सफाई का अभियान शुरू हो गया है और इसी दौरान सफाई कार्य में बाधक बन रहे अस्थायी अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया गया। अतिक्रमण हटाने से नालों को सफाई करने में आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक शहर के बरसाती नालों पर लोगों ने पक्के अतिक्रमण कर सीढ़ियां और चबूतरे बना रखे हैं और इसके चलते नालों की सफाई में परेशानी हो रही है। मॉनसून से पहले नगर परिषद ने शहर में सफाई अभियान शुरू किया है। जनाना अस्पताल के सामने नगर परिषद प्रशासन जेसीबी लेकर पहुंचा और लोगों द्वारा नाले पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। और अब खबर बाड़मेर से है, जहां सड़क हादसे में 10 लोग घायल हो गए। घटना धोरी मन्ना थाना क्षेत्र की है। मिठड़ा गांव के कवास बारातियों से भरी कैंपर गाड़ी जा रही थी जो रोडवेज की मिनी ट्रक से टकरा गई। इससे कैंपर में सवार 10 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निजी वाहनों से बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी घायलों की स्थिति स्थिर है। क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क मार्ग से हटाकर आवागमन शुरू करवाया गया। BNC चौराहे के नीचे एक रोडवेज की अनुमानित टेम्पो ट्रैक्स और सामने बारात थी जो धोरीमना से जा रही थी इधर कवास की तरफ, तो उनके आपस में टक्कर हुई जिसमें 10 के लगभग घायल हुए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। तो वही अजमेर के नसीराबाद क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। असामाजिक तत्वों ने सदर बाजार स्थित हनुमान मंदिर की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने जल्द से जल्द अज्ञात आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्षेत्रवासियों ने मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से समझाइश की और इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे एक महिला मंदिर के आसपास नजर आ रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की पहचान में जुटी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद परिजनों और समाज के लोगों ने हंगामा कर दिया। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल परिसर में ही नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया और धरने पर बैठ गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि लोकेश को समय रहते अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया, लेकिन डॉक्टर के लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई। धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई किए जाने के साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया। और पाली नगर परिषद की उदासीनता की वजह से शहर में खुले पड़े अनगिनत नाले हादसों को दावत दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द ही मॉनसून सीजन शुरू हो जाएगा और ऐसे में बारिश की वजह से खुले पड़े नाले दिखाई नहीं देंगे, जिससे कई हादसे हो सकते हैं। लोगों का आरोप है कि इन खुले नालों के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं, लेकिन नगर परिषद के जिम्मेदारों पर कोई असर नहीं दिख रहा। लोगों की मांग है कि इन खुले नालों को जल्द से जल्द ढकवाया जाए। पाली की सड़क मेन सड़क है, ये सामने दिख रहे जो मेन खड्डे इतने बड़े खड़े कभी भी आता होता है, किसी भी टाइम आता होता है। मेन रोड की हालत, गली की हालत और भी बदतर रखते हैं। बढ़िया है, या तो सड़क तोड़ दो या सड़क सुधार दो। आदमी की जान की वैल्यू जानवर के बराबर होगी पाली वाली। नगर परिषद पूरी तरह से 100% फेल है, कोई समझ समाधान नहीं हो रहा है।
तो वही चित्तौड़गढ़ में महेश जयंती महोत्सव के मौके पर साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। शहर के पद्मिनी पार्क से साड़ी वॉकथॉन शुरू हुआ, जिससे महिलाएं सभी एक ही रंग की साड़ी में वॉक करते हुए युवा पीढ़ी को हिंदू संस्कृति में साड़ी का महत्व बताते हुए चल रही थी। महिलाएं रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, पन्नाधाय, रानी पद्मिनी समेत अलग अलग प्रकार की संजीव रूपों में तैयार होकर वॉकथॉन में शामिल हुई। वॉकथॉन शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए खरडेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर खत्म हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए मारो राजस्थान। नमस्कार।